डीटीएस एन टी वी इन्फो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पहली बार हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। आज हमारे पास में एंकर का पंखा है, इसको रिवाइंड किया है तो इसके शार्ट कनेक्शन निकले हैं। तो शार्ट कनेक्शन कैसे इसको लगेंगे तो इसके बारे में जानकारी लेंगे ताकि आपको शार्ट कनेक्शन में देख के कन्फ्यूज नहीं होना पड़े। उसको कैसे लगाया जाता है इसके बारे में आप पूरी जानकारी लेंगे। पहले मैं इसका कैपेसिटर लगा देता हूँ और कैसे इसको फिटिंग देना है आपको। ये कैपेसिटर का पॉइंट है, शार्ट आप देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आराम से आप इसको वायरिंग के कनेक्शन निकाल देख सकते हैं। ये चार वायर है, ये मेरे पास में लैंप है। लैंप के ऊपर ध्यान रखना आप कैसे क्या लो कंडीशन निकलती है आपको पता लग पाएगा। ये लैंप चालू है तो पहले मैं इसकी ये स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये दो जो अंदर की साइड में जो वाइंडिंग है उसकी ये दो तार है ब्लैक कलर के, और ये रनिंग के रेड जो बाहर की साइड वाइंडिंग है ये, इसको कॉमन कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको कॉमन करना है ना तो एकदम आसान तरीका है, एक स्टार्टिंग का और एक रनिंग का, ये दो वायरों को साथ में जॉइंट कर लेना है। अब आपको पता लग पाएगा कि इसकी स्टार्टिंग कौन सी है और रनिंग कौन सी है, कैपेसिटर कहाँ लगाना है आपको। अब कॉमन का कैसे पता लगे, अगर मान लो तीन वायर हैं तो कॉमन का पता कैसे लगेंगे देखना। लैंप के ऊपर ध्यान रखें, और ये इसके ऊपर लगाऊंगा तो क्या होगा ये देखिए, ये कंडीशन है। लैंप के ऊपर ध्यान रखिए तो ये सेम इसकी जलना चाहिए। ये देखो ये फुल जल रहा है और इसके अंदर भी फुल जल रहा है, यानी ये कॉमन कनेक्शन हो गया। कॉमन के बाद में मैं इसको इसके साथ में अटैच कर लेता हूँ, ये कैपेसिटर लगा देता हूँ। ये कैपेसिटर लगा दिया, अब ये उल्टा घूमेगा कि सीधा घूमेगा वो आप चालू करोगे तभी पता लगेगा। तो एक वायर कॉमन को और एक वायर आपको कनेक्शन है दोनों रेड के अंदर ही ये सप्लाई देनी है। इसका मतलब है कि जो रनिंग वायर है रनिंग कोयल है उसके अंदर ये सप्लाई जाएगी। ये देखिए ये अगर इस टाइप से घूम रहा है तो इसका मतलब उल्टा है, क्योंकि अगर चलेगा जब पंखा ऐसे घूमेगा ये तो ये तो उल्टा हो जाएगा, तो आपको ये बैक जाएगा तो ये पंखा आगे जाएगा। इसका मतलब ये उल्टा है, तो ये रेड के अंदर मैं सप्लाई दी थी तो इसका रेड वायर निकाल दूंगा और यहाँ से भी रेड वायर निकाल दूंगा। तो ये कॉमन के साथ में था उसको निकाल के यहाँ कैपेसिटर पे लगा दूंगा। ये हो गया आपका फॉरवर्ड, जैसे चलना है वैसे चलेगा, आपका घड़ी की दिशा के अंदर घूमेगा ये पंखा। अगर उल्टा सीधा हो जाए तो भी आपको इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। अभी एक बार ये कॉमन है, ये कॉमन निकाला था और एक ये देखो बैक जा रहा है, इसका मतलब ये सही है। तो एक बार ये कनेक्शन कहाँ पे देना है देखना, सबसे ऊपर है वो कॉमन वायर लगेंगे जो दो वायर साथ में है, ये दो वायर साथ में है कॉमन, वो यहाँ लगा देता हूँ मैं। ये कॉमन हो गया,
अभी ये ब्लैक वायर है वो सेंटर में लगाना है आपको। इसका यूजिंग सिर्फ कैपेसिटर के लिए ही है, इसमें सप्लाई नहीं देंगे। तो ये सेंटर में जाएगा, ये सेटर, ये कैप के सेंटर में कनेक्शन है। और ये वायर है यहाँ सबसे नीचे लग जाएगा, ये यहाँ पर वो सप्लाई आएगी वो सीधा यहाँ लगेगी जो इनपुट सप्लाई है। ये हो गई हमारी सप्लाई, वायरिंग हो गई। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि ये किधर क्या घूम रहा है। तो मैं सीरीज वायर के साथ में इसको अटैच करूंगा ताकि एक बार चेक करेंगे इसको। ये फैन आपका चालू हो गया है। इजी कनेक्शन है, कोई भी आराम से कनेक्शन कर लेता है। मैं आपको चेक करवा देता हूँ एक बार कनेक्शन कैसे है। ये देखिए, ये कनेक्शन है। यहाँ से देखो, ये कॉमन वायर है और ब्लैक वायर सेंटर में है और नीचे की साइड में ये रेड और ये कैपेसिटर का वायर है। इसमें दो वायर लगा हुआ और इसमें भी दो वायर लगा हुआ, सबके अंदर दो दो वायर है। लेकिन ब्लैक वाला है वो सेंटर में आ जाएगा, ये रेड है दोनों साइड की जो रनिंग के अंदर दोनों सप्लाई दी जाएगी, ये रनिंग के अंदर दोनों सप्लाई दी जाती है। यहाँ से दो कनेक्शन लगेंगे आपके सीधे, आपको यहाँ कनेक्शन लगा देना है, ये दो कनेक्शन आ जाएंगे जो आपको रेगुलेटर के थ्रू या जो भी आपको सप्लाई देनी है। ये लाइट की सप्लाई आएगी तो वो पंखा आपका घूमता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। इतने टाइम बने रहने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद।